अड्डा लाइव पर और आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे स्पेशल बैच एसएससी जीडी द ड्रीम बैच में। तो जल्दी से एक बार सब जने लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट लाइव हो पाए। आज एक क्लास बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट भी करा पाए पाइप और टंकी के साथ में। तो हो सकता है ये क्लास 3-4 घंटे की हो, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए एक बार वीडियो को जल्दी से। सभी का नमस्कार, थैंक यू। बिल्कुल सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइव हो जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल धीरे जी, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन थोड़ा एक बार सब जनों को लाइव हो जाने दीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं सेशन को हम लोग। एडमिट कार्ड अभी आधे जोन का आया दोस्तों, अभी एसएससी एनआर वगैरह पे एडमिट कार्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन दोपहर तक तो नहीं था, अभी मैं वापस देख लेता हूं एक बार। हाँ बिल्कुल, अब एडमिट कार्ड आ चुका है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बाद में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी द ड्रीम बैच का एक अंतिम टॉपिक, एसएससी जीडी द ड्रीम बैच। तो सब जने सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एक बार। फिर स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग, करें फिर स्टार्ट इसे। बिल्कुल चलिए, और उम्मीद करता हूं सबके पास बुक सबने ले ली होगी, और जिन्होंने नहीं ली है उनके साथ में लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, तो वो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कल 5 तारीख के बाद इसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया, नमस्कार श्री राम जी, अमित विश्वकर्मा जी, सभी जने एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए सबके सब जने। चलिए आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों समय और काम, टाइम एंड वर्क। ये आप मान के चलिए यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं टाइम एंड वर्क से, ठीक है दोस्तों। और इसी का एक लास्ट में छोटा सा पार्ट और आएगा जिसका नाम है पाइप और टंकी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों ने ज्वाइन कर लिया, प्रयास कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनों के पास शेयर कर पाओ आप। अभी बहुत कम जने कैंडिडेट लाइव हो पाए, जल्दी से एक बार सबको शेयर कर दीजिए वीडियो को। हाँ बिल्कुल, एग्जाम ऑनलाइन होगी, अभी आपको पता होना चाहिए कैलाश जी, ये तो सब जने एक बार शेयर कीजिए वीडियो को, 1000 जने जैसे हो जाएंगे हम चीज को इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे जल्दी से। और दोस्तों बुक का लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूं, तो जिन विद्यार्थी के पास लिंक नहीं है उस लिंक के थ्रू बुक को परचेज कर सकते हैं, इसकी प्राइस मात्र ₹50 रखी गई है। चलिए बहुत बढ़िया, और ये दोस्तों हमारे इस पूरे सिलेबस का एक अंतिम टॉपिक है दोस्तों, ठीक है।
चलिए, बुक का लिंक मैंने शेयर कर दिया सभी के पास, जिनके पास नहीं पहुंचा वो देख सकते हैं एक बार। चलिए ठीक है, अब शुरुआत करते हैं दोस्तों इस टॉपिक की हम लोग। बहुत बढ़िया, काफी जने लाइव हो चुके हैं, एक बार शेयर कर दो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद सभी का। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के लिए हमें सबसे जरूरी दो तीन बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास, मैंने हमेशा बोला दोस्तों, इस टॉपिक से तीन तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आएगा दोस्तों हमारे पास एमडीएच का, एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा हमारे पास जो प्रश्न आएगा वो आएगा एलसीएम बेस्ड, और तीसरा प्रश्न आएगा जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है, जिसके अंतर्गत आते हैं पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न, और एक और पार्ट है जो है दोस्तों पाइप और टंकी। ये कुछ पार्ट है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, और यहीं से चीजों को इजीली समझना है हमें, ठीक है दोस्तों। चलिए, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन, फिर अगले एलसीएम बेस्ड, फिर जो आगे स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब अच्छे से कॉपी लेकर बैठ जाइए, इस टॉपिक को अगर आज क्लियर करना चाहते हो तो आपके पास कॉपी और पेन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, और शेयर करते रहिए, एक बार प्रयास कीजिए कि अगले 10 मिनट में हम लोग 1000 हो जाएं, जल्दी से जल्दी। चलिए, प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस एमडीएच को मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों एमडीएच बराबर क्या होता है, एमडीएच यानी अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करे तो 5 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको इसी ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। एम का मतलब होता है मैन से, डी का मतलब होता है डे से, और एच का मतलब होता है आवर से। वापस सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एम फॉर मैन, डी फॉर डे एंड एच फॉर आवर, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। इतने व्यक्ति, इतने दिन और इतने घंटे इन्होंने कार्य किया, इस चीज को अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए, बटे में हमेशा क्या आती है दोस्तों, वस्तु। किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, कुछ रुपए कमाते हो तो वैल्यू हमेशा कहां पर आती है दोस्तों, बटे में आती है। वापस सुन लीजिएगा, एमडीएच बराबर एमडीएच होता है, लेकिन वस्तु और रुपए हमेशा कहां पर आते हैं, बटे में। और ये रुपए मजदूरी के रूप में भी हो सकते हैं, 10 कारीगर 10 दिन में 1000 रुपए कमाते हैं तो 20 कारीगर 20 दिन में कितनी राशि कमाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। वापस सुनिएगा, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर, लेकिन वस्तु और रुपए हमेशा कहां पर आते हैं, बटे में आते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखो प्रश्न किस प्रकार बनेगा, वहां से चीजें हमें समझ में आएगी। प्रश्न क्या हमारे पास वो समझते हैं दोस्तों, 120 मजदूर किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके इसे 48 दिन में पूरा करते हैं तो 80 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने समय में पूरा करेंगे ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो 80 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इसे कितने समय में पूर्ण करेंगे, जल्दी से बताइए, आंसर आना चाहिए दोस्तों। प्रयास कीजिए अपने एंड से कि आप लोग जितना आंसर सही बता पाओ, ठीक है दोस्तों। एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं दोस्तों, आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसे। अच्छा, सेम प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनको भी बुक लेनी है दोस्तों, मैंने लिंक दिया था थोड़ी देर पहले, एक बार मैं और शेयर कर दे रहा हूं, बुक जरूर ले लीजिएगा।
जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ध्यान रखना। और कल नहीं, कल से दोस्तों इसकी प्राइस को बढ़ा भी दिया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी इसकी प्राइस मात्र ₹50 रखी गई है। पीडीएफ फॉर्मेट में बुक है दोस्तों, ई बुक के रूप में। चलिए बहुत बढ़िया, काफी ने आंसर्स बताए हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर तरीका वही काम आएगा, एमडीएच बराबर क्या होता है एमडीएच, ये तो क्लियर हो चुका है ना भी हमें। एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब डे, एच का मतलब आवर, ठीक है। यहां पर व्यक्ति कितने हैं जल्दी से बताओ, 120। कितने घंटे कार्य किया, 8 घंटे, और काम को खत्म कितने दिन में, 48। और यहां पर बताओ व्यक्ति कितने, 80। 10 घंटे कार्य करके कार्य कितने कितने समय में, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों, कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये प्रश्न था हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने का प्रयत्न करना, फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, काफी ने आंसर्स बताया भी है। एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है दोस्तों, वो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो तुलना बिल्कुल बराबर होगी, व्यक्ति व्यक्ति दे रखे हैं, आवर यहां भी आवर दे रखा है, दिन और यहां पर दिन का पूछा गया। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इनइक्वल कंपैरिजन हो। इनइक्वल का मतलब समझ रहे हो यहां पर, कि 120 व्यक्ति 8 घंटे फिर 48 दिन, तो यहां 80 व्यक्ति कितने दिन में, तुलना बिल्कुल बराबर होगी। अगर एम और डी है तो सामने भी एम और डी होगा, और अगर एम डी और एच है तो सामने भी एम डी और एच होगा, ठीक है। चलिए तो समझते बात को, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। नहीं समझ में आए डायरेक्ट तो क्या करना, इन दोनों को गुणा में है। चलिए उस तरीके से बता देता हूं ताकि हर विद्यार्थी को समझ में आ पाए, ठीक है, इससे समझ लेते हैं। मुझे आप लोग बताओ ये दोनों गुणा में है, इधर आके किसमें होंगे, भाग में, तो 120 × 8 × 48 बटे में 80 × 10। वैसे आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 8 से 80 कितनी बार कटा, 10 बार, 12 × 48, और 12 × 48 कितना बना दोस्तों, आपने गुणा किया है, 12 × 8 = 96, 9 × 48 = 9, 57 576 बटा 10, तो आंसर आएगा 57.6। तो ये सब विद्यार्थियों का उत्तर आना चाहिए था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, काफी जने लाइव हो चुके हैं, आप प्रयास कीजिएगा, सब लोग लाइव बने रहिएगा, अच्छे से कंप्लीटली इस टॉपिक को पूरा कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे आज, प्रयास पूरा है। जैसे कल आपके 3 घंटे, लगभग 3.25 घंटे की कल क्लास हुई थी, वैसे ही प्रयास करेंगे कि आज भी अच्छे से हम क्लास को कवर कर पाए। बस आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर करते रहिएगा वीडियो को। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल थोड़ी देर में जो आपके मैन वुमेन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी जरूर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। ये सारे वीडियोज आपको एसएससी जीडी ड्रीम बैच में मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स, आज इस कोर्स का अंतिम दिन है दोस्तों। आप लोग ये प्रश्न सॉल्व करके बताइए, 40 मजदूर 8 घंटे काम करके 8 घंटे काम करके 1600 रुपए मजदूरी कमाते हैं, तो 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितनी मजदूरी कमाएंगे, अमाउंट बताना है रुपए, कितनी मजदूरी कमाएंगे, ये आपको सॉल्व करके बताना है, तो जल्दी से बताइए।
बताइए दोस्तों जल्दी से क्या उत्तर होगा इसका। 800 बता रहे हैं, 3200 आ रहा आंसर, अलग अलग आंसर्स बन रहे हैं। चलिए तो यहां देखिए, 40 मजदूर 8 घंटे काम करके मजदूरी कितनी कमाई, 1600। और यहां पर देखिए मजदूर कितने हैं, 16, कार्य 10 घंटे, और आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी मजदूरी कमाएंगे, यानी ये जो रुपए है ये आपको काउंट करके बताना है। तो चलिए बात को समझते अच्छे से। तो क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 0, 8 से 16 कटा 20 बार, 4 से 20 कटा 5 बार, 5 भाग में उधर जाके गुणा होगा, तो 16 × 10 × 5, तो 160 × 5 करोगे, आपका जो अमाउंट आएगा वो कितने रुपए आएगा, 800 रुपए। लेकिन आपको एक विशेष बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या दोस्तों, वो विशेष रूप से समझिएगा कि रुपए और मजदूरी और वस्तु हमेशा कहां पर आते हैं, बटे में आते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न और भी बनता है जो मैं थोड़ी देर में अभी कराने वाला हूं, तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, 24 चिड़िया 24 दिन में 24 चिड़िया 24 दिन में 24 घोंसले बनाती है, तो आठ चिड़िया 8 घोंसले कितने दिन में बनाएगी, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहां से हमारा आंसर क्या बनने वाला है। प्रयास कीजिएगा उत्तर बताने का। कैमरा थोड़ा मैं नजदीक कर देता हूं ताकि किसी प्रकार की समस्या ना आए, आपको अच्छे से सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। चलिए एक बार बता दीजिएगा सब जने, एकदम परफेक्टली चल रहा है क्या, यस का मैसेज लिख दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा ध्यान रहे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अमित जी एक बार टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है वो समझ सकते हो कि क्या प्रश्न हो गया और क्या नहीं हुआ। जब टॉपिक की शुरुआत है तो फिर समझना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल, चलिए समझते हैं बात को अच्छे से। 24 चिड़िया 24 दिन में 24 घोंसले बनाती है, तो 8 चिड़िया 8 घोंसले कितने दिन में बनाएगी। एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपसे जरूर कहूंगा, जब आपका पेपर हो जाएगा तब जब उसका सॉल्यूशन कराएंगे तो आप जरूर कहोगे कि प्रश्न आपको कितने सारे मिल चुके हैं। ठीक है, तो बस बिलीव के साथ पढ़िए, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान भी होगी और चीजों में इंप्रूवमेंट भी आएगा। तो यहां देखिए, 24 चिड़िया 24 दिन में 24 घोंसले बनाती है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये बटे में 24 क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला था दोस्तों वस्तु हमेशा बटे में आती है। यहां पर ध्यान दीजिए, 8 चिड़िया 8 दिन 8 घोंसले कितने दिन में बनाएगी। यहां गलती ये मत कर देना दोस्तों, क्योंकि यहां पर दिनों की संख्या पूछी गई है, घोंसलों की संख्या पहले से दे रखी है। तो क्या होगा दोस्तों इस कंडीशन में, देखो 24 से 24 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो डी बराबर आ जाएगा 24 दिन। यानी अगर 8 चिड़िया भी घोंसला बनाती है तो उन्हें भी समय 24 दिन ही लगेगा। इस चीज को थोड़ा समझिएगा तो बातें आपके लिए बहुत आसान होगी। जैसे एक विद्यार्थी ने 216 बताया तो फिर गलत हो जाएगा दोस्त वहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फिर शेयर करते रहिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। कल का वीडियो जो 3.5 घंटे का था लगभग, उम्मीद करता हूं सभी ने देखा भी जरूर होगा, तो वहां से आपका परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से कवर अप हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न क्या हमारे पास, 3000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, यदि 50 दिन का भोजन था यदि
1000 सैनिक चले जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो भोजन कितने दिन चलेगा? दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और एक प्रश्न आता है इतने दिन बाद चेंजेज हुआ, तो इन दोनों प्रश्नों को हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, कि इन दोनों प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आपका आंसर 150 आ रहा है, 75, 85 सबके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, तो यहां देखिए 3000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, कितने दिन का भोजन था? 50। यदि 1000 सैनिक चले गए तो सैनिक 2000 बचे, और आपसे क्या पूछा है तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो ये जो सैनिक है 2000 के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, यहां देखिए 000 से 000, 2 से कितनी बार 25 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो जल्दी से एक बार इसको लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छा वाला प्रश्न है और उम्मीद करूंगा एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, एक सैनिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण वाला प्रश्न एग्जाम में आता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूं समझ लीजिए एमडीएच का बेस्ट क्वेश्चन वही माना जाता है। अब प्रश्न क्या है वो समझिएगा, जैसे प्रश्न है यदि एक सैनिक शिविर में 4000 सैनिकों के लिए 4000 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था, यदि 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ जाए, 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ जाए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा ये आपको क्लियर करके बताना है। तो जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा वाला प्रश्न और इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगेगी आप लोग, और प्रयास कीजिए वीडियो को लाइक करते रहिए ज्यादा से ज्यादा।
तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न क्या है कि 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 70 दिन का। अब हुआ क्या, 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ गए, तो यहां देखिए सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, 5000। और आपसे क्या पूछी गई है कि ये जो भोजन बचा है अब कितने दिनों तक चलेगा। इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर लगाइए एग्जाम में, यहां से प्रश्न जरूर बनता है कि जब सैनिकों की संख्या बढ़े या सैनिकों की संख्या घटे तो आप लोग इसको कैसे सरल करोगी। एक और विशेष बात सुनिएगा, यहां पर चेंजेज होता है दोस्तों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 50 दिन बाद, जो भी चेंजेज होता है वो आपको समझना है। तो क्या करिए, तो देखो 4000 जनों के लिए 70 दिन का स्टॉक था, फिर क्या हुआ कि 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ गए। तो अब देखिए जो 4000 काउंटिंग थी अब वो सैनिकों की संख्या काउंटिंग होकर कितनी हो गई, 5000। इसका अंदर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब विशेष बात सुनिएगा, ये जो चेंजेज हुआ 20 दिन बाद, होता क्या दोस्तों जब ये चेंज 20 दिन बाद हुआ, इसका मतलब यहां से 20 दिन का खाना कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 70 में से 20 गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 50। वापस सुन लीजिएगा, 70 में से 20 गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 50। इसके आप ट्रिक कॉपी में क्या लिख सकते हो कि इतने दिन का खाना समाप्त हो चुका है, ये खाना अब स्टॉक में नहीं बचा है, ये इन सैनिकों ने 4000 ने कंप्लीट कर लिया। अब जो खाना बचा है ना वो हमें 4000 के लिए नहीं चलाना है, वो हमें 5000 के लिए चलाना है। तो अब बताओ क्या पूरा खाना 70 दिन का 5000 के लिए चल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहां से 20 खाया जा चुका है तो रिमेनिंग बचा कितना, 50। तो क्या करेंगे, एमडीएच लगेगा, 4000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है, वो 5000 के लिए कितने दिन चलेगा, ये लॉजिक समझ लीजिए, आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। यहां देखिए 000 से 000 5 से 50 कटा 10 बार, 10 × 4 तो आंसर कितना, 40 दिन। याद रखना ये 40 कौन सा भोजन आता है, शेष भोजन आता है, क्योंकि इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। दो तरह के प्रश्न कौन से, एक तो बनता है शेष भोजन कितना चलेगा और एक बनता है दोस्तों टोटल भोजन कितना चलेगा। वापस सुन लीजिएगा दोस्तों, एक बनता है कि शेष भोजन कितना और एक पूछ लेते हैं टोटल कितना। पहले मैं प्रयास करता हूं, एक बार रिपीट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे समझाता हूं वापस। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कुल का कैसे बताना है, क्योंकि आपको पूछ ले खाना कितने दिनों में समाप्त हुआ। लिंक में भेज देता हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक बार वापस, तो जिन्होंने भी इसको नहीं लिया है, जो येलो कलर के अंदर मैसेज आया बुक का लिंक लिखा हुआ, तो आप लोग वहां से बुक को ले सकते हैं। चलिए अब विशेष बात सुनिएगा दोस्तों, वापस सुनिएगा, 4000 जनों के लिए 70 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद 1000 आए तो जने तो 5000 हो गया, और आपसे क्या पूछिए दिनों की संख्या। अब ध्यान क्या रखना दोस्तों, ये जो चेंजेज हो रहा है ये 20 दिन बाद हो रहा है, यानी 70 में से 20 दिन का खाना क्या कर लिया, खा लिया। मैं वापस कह रहा हूं, एक ट्रिक याद रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर आपको कॉपी पेन लेके तो बैठ नहीं है दोस्तों, कि जितने दिन बाद सैनिक आए और गए आपको वो दिन हमेशा यहां से माइनस करने। माइनस क्यों करने दोस्तों, क्योंकि इतने दिन का खाना उन्होंने खा लिया। सैनिक आएंगे तब तक भी वो खाना खाया जा चुका होगा, सैनिक जाएंगे तब तक भी वो खाना खा चुका होगा, खा चुके होंगे, उतने दिन का खाना खाया जा चुका होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, टोटल पूछ ले, तो टोटल दोस्तों कितने दिन चला, देखो शेष तो 40 चला और पहले कितने दिन चला था प्रश्न में, 20, तो हमारा भोजन कितने दिन चला टोटल, 60 दिन। टोटल का पूछे तो आपका आंसर आएगा 60 दिन। एक और विशेष बात सुनिए, आप कहोगे फिर 70 दिन का स्टॉक 60 दिन ही क्यों चला, लाए तो 70 दिन का स्टॉक थे वो 60 क्यों चला, क्योंकि यहां देखिए 1000 सैनिक और शामिल हो गए, सैनिक ज्यादा आएंगे तो खाना स्टॉक से कम चलेगा, सैनिक चले जाएंगे तो खाना स्टॉक से ज्यादा चलेगा। क्या आप लोग ऐसा एक प्रश्न करके बता सकते हो मुझे, जल्दी से बताइएगा। एक प्रश्न और मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए और उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे उसका आंसर दे पाओ। अब देखिए प्रश्न आने या जाने का, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये दिन हमेशा घटाने, कॉपी में लिख देना, सैनिक आए या जाए आपको दोनों कंडीशन में उतने दिन का खाना घटाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न ये हमारे पास, 3000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, यदि 50 दिन का भोजन था, यदि 16 दिन बाद
14 दिन बाद हजार सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। प्रयास कीजिएगा आंसर्स बताने का और चीजों को समझिएगा, चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती जाएगी आगे बढ़ते बढ़ते। जल्दी से आंसर्स बताइए। 27 आ रहा है आपका आंसर। निकी मिश्रा जी 54, गौरव कुशवाहा जी 54, अखिलेश कुमार जी आपका आंसर 54 आ रहा है, आनंद चौधरी जी 54, मंजीत कुमार जी 54 आंसर आ रहा है, प्रदीप चौधरी जी 54, दीपक जी 54, सुरेंद्र कुमार जी 54। चलिए काफी ने आंसर्स बताए, इसको समझते हैं अच्छे से। 3000 सैनिकों के लिए 50 दिन का स्टॉक था, 1000 सैनिक चले गए, तो आप कहोगे कि अब बचे कितने, 2000। और आपसे क्या पूछिए, दिनों की संख्या। मैंने बस आपको एक सिंपल से ट्रिक बताई है कि भाई जितने दिन का खाना खाया जा चुका है उस खाने को क्या कर लो, माइनस कर लो। कितने दिन का खाना खाया जा चुका है, 14 दिन बाद ये चेंज हो रहा है ना दोस्त, तो 14 दिन उन्होंने वेट थोड़ी किया कि भाई ये जाए तो हम खाना खाना स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो जब सैनिक चले गए वहां तक का वो खाना खाकर गए हैं, तो 50 में से 14 गया, 10 गए, 40, 4 गए, 36 दिन का खाना अब शेष बचा यहां से। लेकिन हमें ये बोला है कि ये जो 36 का शेष बचा है ये इनके लिए कितने दिन चलेगा। तो प्यारे दोस्तों 3000 सैनिकों के लिए जो 36 दिन का बचा हुआ है वो 2000 के लिए कितने दिन चलेगा। 000 से 000, 2 से 18 बार, 18 × 3 = 54। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा शेष भोजन वो कितने दिन चलेगा, 54 दिन। समझ रहे हो बात को अच्छे से, कितने दिन चलेगा, 54 दिन। एक और चीज है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि अभी खाना कुल कितने दिन चला, अगर आपसे क्या पूछे कि अभी खाना कुल कितने दिन चला, तो कुल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले कितने दिन खाया था इसके लिए प्रश्न को देखा कीजिए हमेशा आप लोग। कुल कितने दिन खाया था दोस्तों, पहले 14 दिन अब 54 दिन, तो 54 तो अभी उत्तर आया था, 14 प्रश्न में लिखा हुआ था। कुल का पूछे तो आपका भोजन कितने दिन चला दोस्तों, 68 दिन 68 डेज, 68 दिन चला टोटल भोजन, कितने दिन, 68 डेज। बस ये 14 उसमें जोड़ने। अब आप कहोगे हमारे पास स्टॉक 50 का ही था, वो 68 दिन क्यों चला, क्योंकि दोस्तों इस वाले प्रश्न में 1000 सैनिक यहां से छोड़कर चले गए, जब सैनिक जाएंगे तो खाना स्टॉक से अधिक चलेगा और जब सैनिक आएंगे तो खाना स्टॉक से कम चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चीजों को समझते जाएंगे तो बातें बहुत आसान लगेगी आपको। वीडियो बिल्कुल अपलोड होगा दोस्तों थोड़ी देर में, लाइव सेशन खत्म होने के बाद होगा। मिटा दीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आज इस समय और काम के हम 3 से 4 घंटे की क्लास चलाने वाले हैं, तो कॉपी और पेन लेके अच्छे से समझिए और ये अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आना भी चाहिए। इस बार जीडी क्रैक करना है क्योंकि ड्रीम बैच का टारगेट है मैक्सिमम सिलेक्शन हो दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो उम्मीद करेंगे ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट सी सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो सैनिकों वाला प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं अगली बात। देखिए दोस्तों जो सेकंड टाइप है हमारा वो है दोस्तों एलसीएम बेस्ड। आपको अब एलसीएम लेना आना चाहिए, एक बार मैं सिखा देता हूं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हो जिनको ये चीज मान लीजिए नहीं आती हो फिर भी वो सीख सकता है, क्योंकि मेरा टारगेट रहा है दोस्तों कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को साथ लेके चलने का, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां देखिए सबसे पहले 2 का भाग देना है 10 15 20। 2 का भाग इसलिए जाता है क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या 2 है और यहां से प्रश्न आपके एसएससी जीडी में बन चुका है दोस्तों कि गणित में कुल कितनी सम संख्याएं अभाज्य है,
क्या प्रश्न बन चुका है? गणित में कुल कितनी सम संख्या अभाज्य है? तो सम संख्या की क्वांटिटी पूछी है, तो अगर कितनी का बोले तो उत्तर एक ही होगा, कौन सी बोले तो उत्तर दो होगा। वापस सुन लीजिएगा, अगर बोले कौन सी है सम संख्या जो अभाज्य है तो उत्तर दो ही होगा, लेकिन कितनी है तो उसका आंसर एक ही होगा, क्योंकि ऐसी एक ही संख्या है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए दो का भाग और आगे गया दोस्तों, पांच पंद्रह दस, जब तक दो कंप्लीट नहीं हो जाए आपको तीन का नहीं सोचना है, और तीन कंप्लीट नहीं हो जाए आपको पांच का नहीं सोचना। फिर आपको चार क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ जो टुकड़े आते हैं वो सारे के सारे अभाज्य संख्याओं के रूप में आएंगे दोस्तों। दो तीन पांच सात नौ सॉरी दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस इस प्रकार के तेईस उनतीस इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं आएगी। अगर आपके पांच का भाग नहीं जा रहा तो आप सीधा सात का भाग दीजिए, सात का नहीं जा रहा तो सीधा ग्यारह का भाग दीजिए। आठ नौ दस की आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो पहले ही दो से कट जाते हैं। याद देखो तीन का भाग पांच बार और लास्ट में पांच का भाग सिंगल टाइम्स। पांच इंटू तीन पंद्रह तीस साठ एक सौ बीस। तो प्यारे दोस्तों एलसीएम क्या बना? 120, क्योंकि इन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, इसलिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ओके चलिए अब समझते अगली बात को, समझते जाइएगा बातों को, आपके लिए ये चीजें सारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न ये है दोस्तों, रवि किसी काम को मैं जो वैल्यू लिख रहा हूं, ये वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। 20 दिन में वैल्यू लिखने में बोली 15 लिखो ना 20 दिन में, तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करे, 30 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने समय में कार्य पूरा करेंगे ये आपको बताना है दोस्तों। कि अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये वैल्यू दोस्तों आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई दोनों एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बने थे, और ये सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू या तो 10 और 15 आती है या 20 और 30 आती है। तो अगर आपका लक अच्छा काम करता है तो हो सकता है दोस्तों जब एग्जाम में बैठे रहो आपको ये प्रश्न जरूर याद आना चाहिए कि आपने ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा से ये चीज जरूर सीखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर्स बताइएगा सब जने जल्दी से, बहुत इजी सा प्रश्न है, एक बार जैसा भी आपने पढ़ा है वो बताइए। फॉर्मूला नहीं लगाना दोस्तों, वापस कह रहा हूं, ट्रिक से बताना है एलसीएम से। फॉर्मूला लगाओगे तो हर प्रश्न के लिए नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए समझते बात को अच्छे से। यहां पर जो रवि है वो रवि अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर रहा है, मोहन अपना कार्य श्याम है अपना, यहां देखिए श्याम अपना कार्य 30 दिन में पूर्ण कर रहा है। तो सबसे पहले आप बता सकते हो एलसीएम क्या बनेगा इसका। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बना 60, एलसीएम क्या बना 60 ही बनेगा। अब देखो एलसीएम तो आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैंने पहले आपको एलसीएम लेना सिखाया, क्योंकि एलसीएम नहीं आएगा तो प्रश्न स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां देखिए कोई व्यक्ति 20 दिन में 60 रुपए खर्च करे तो एक दिन के खर्चे की क्षमता कितने की? 3 की है ना। वापस सुन लीजिए, सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे 20 पेन अगर 60 रुपए में आए तो एक पेन कितने का आया? 3 का। और ऐसे ही अगर 30 पेन 60 के आए तो प्यारे दोस्तों एक पेन कितने का? 2 का। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका मतलब रवि एक दिन में 3 का करता है और श्याम एक दिन में 2 कार्य करता है। इन्होंने बोला दोनों मिलकर, तो प्यारे दोस्तों ये कह रहा है मैं 3 खर्चा करूंगा ये 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट कार्य करेंगे? 5 यूनिट कार्य होगा। अब देखो दोस्तों याद रखना, जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल होता है, जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल होता है। तो प्यारे दोस्तों यहां से टोटल कितना? 60। तो यहां देखिए रवि प्लस श्याम, तो 60 काम करना है, 5 की यूनिट से हमें कितने दिन का समय लग जाएगा? 12 दिन। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं।
हर प्रकार का प्रश्न मैं कराऊंगा दोस्तों। एबीसी वाला, कार्य छोड़कर जाने वाला, काम खत्म होने से पहले, कार्य क्षमता, एबीबीसी सीडी वाला, पुरुष महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न, सारे कार्य, सारे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। चलिए लिंक अभी मैं शेयर कर दे रहा हूं एक बार सभी के साथ वापस। और दोस्तों कल से आपकी जो बुक की प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो कल आप लोगों के पास ये जो समय है तब तक आप लोग इस बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहां पर वैल्यूज हमारे पास ऐसी होती 18 दिन में और यहां बोला जाता 16 दिन में, तो आप लोग बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में, अगर यहां रवि की जगह ए और बी होता मान लीजिए, एक नया प्रश्न बन जाएगा, ए किसी काम को 18 दिन, बी उसे 16 दिन, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूर्ण करेंगे, जल्दी से बताइए, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। सीपीओ और जेई के लिए बिल्कुल अलग से एक बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे आज देखिए दोस्तों आज ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, एसएससी जीडी का ड्रीम बैच, इसका कंप्लीट कोर्स आज डन हो जाएगा दोस्तों। और फिर हमारे एक दो टॉपिक जो मेन बैच है ट्रिकी मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम, उसको भी दो तीन टॉपिक है उसको भी हम ऐसे ही एक अच्छी सी दो दो तीन तीन घंटे की क्लास लेके कंप्लीट करेंगे। आपको अगर बुक लेनी है दोस्तों तो मैंने बताया ना अभी लिंक शेयर किया, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, पेटीएम, मोबीक्विक, जो भी आपके पास ऑप्शन है सारे उसमें अवेलेबल है। हाँ, पेपर ऑनलाइन होगा दोस्त, बिल्कुल एडमिट कार्ड आ चुके हैं जीडी के, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब बात को समझते हैं, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है, तो सबसे पहला काम तो आप लोगों को दोस्तों एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए आप दोस्तों इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो प्यारा दोस्तों इसका एलसीएम बनेगा 144। और ये एलसीएम इन दोनों का है तो कंफर्म सी बात है इन दोनों का इसमें डिवाइड श्योरली होगा। तो आप बताइए 18 का डिवाइड करें, 18 का भाग कितनी बार गया, 8 बार, 16 की बात करें तो कितनी बार, 9 बार, यानी ये 8 यूनिट एक दिन में कार्य करता है और ये 9 यूनिट एक दिन में काम करता है। इन्होंने बोला यदि दोनों मिलकर काम करें तो हमें कितना समय लगेगा, 8 और 9 टोटल कितना, 17 यूनिट कितनी है टोटल हमारे पास कार्य करने की। मैंने बताया जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल यूनिट होता है, जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल यूनिट होगा, इस चीज को मान के चलिएगा। तो आप बताइए 144 डिवाइडेड बाय 17, देन अगर और डिवाइड करना चाहो तो आपके ऊपर है, बाकी आपको हो सकता है इस फॉर्म में भी आंसर मिल जाए या आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 से 8/17 ऐसे कुछ जो भी उत्तर आता है वो आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, तो चीजों को समझते जाएंगे। देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था एलसीएम पर, एलसीएम पर बहुत टाइप बनते हैं इसलिए एलसीएम पर बेस्ड ये फर्स्ट टाइप था जिसके अंदर दो व्यक्ति मिलकर कार्य करें। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पी किसी काम को 16 दिन में तथा क्यू उसी काम को 24 दिन में तथा आर उसी काम को 16 दिन 24 दिन आर उसी काम को 48 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना है अपना आंसर, तो जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है दोस्तों। एलसीएम 48 आएगा, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। आंसर जो लसप है वो आपका 48 बनेगा, आप आंसर को कैलकुलेट कीजिए जल्दी से जल्दी बताने के लिए। नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, जिन विद्यार्थियों ने या तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हो दोस्तों वो लोग अभी बता दीजिएगा, या फिर
मैं आपको थोड़ी देर के अंदर कम्युनिटी टैब में जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं प्रयास करूंगा बता दूंगा उसके बारे में, या फिर कल एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको पेपर अटेंड करना है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे इसमें नेगेटिव है या नहीं वो चीज मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा। ओके चलिए, यहां देखिए, पी किसी काम को 16 दिन में, क्यू उसे 24 दिन में, आर उसे 48 दिन में। हमारे से ये बोला गया यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पहला काम हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। ये प्रोसीजर तो आज आपको सीखना ही है। अगर आप लोग फॉर्मूले वाले पैटर्न में नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों इसके लिए। तो सबसे पहले आप बताओ हमारा एलसीएम क्या बना, 48। आप लोग एक बात सोच के देखिएगा, 16 दिन में 48 काम होता है तो एक दिन में कितना, 3 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 24 दिन में 48 तो एक दिन में 2 हुआ, 48 में 48 तो कितना, 1 हुआ। इस चीज को मान के चलिए, यहां हुआ 3, यहां हुआ 2, यहां हुआ 1, और हमें बोला गया यदि तीनों मिलकर कार्य करें, 3 और 2 5 और 1 6, यानी दो तीनों मिलकर 6 काम करेंगे और टोटल काम है कितना, 48। तो प्यारे दोस्तों 48 बटा 6 करोगे तो समय आ जाएगा 8 दिन, और ये 8 दिन किसके द्वारा टाइम लगेगा, PQR द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने एलसीएम लेना सिखाया था दोस्त, उम्मीद करता हूं आपने जरूर देखा होगा उसे, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग उसे वापस देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन। अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप लोग मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। एक्स किसी काम को 18 दिन में पूरा करे, वाई उसी काम को 30 दिन में पूरा करे, जेड उसी काम को 90 दिन में पूरा करे, तो आपको बताना है तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एक आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बहुत जरूरी है ताकि मुझे भी पता चले आपको चीजें समझ में कितनी आ रही है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत, वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिए कंटिन्यूअसली सब जने, एक बार वीडियो को सब जने लाइक कर दीजिएगा। अब वो लाइक वाली दिक्कत नहीं दोस्तों, लाइक एकदम वाली कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लाइक कर सकते हो आराम से। चलिए बहुत बढ़िया, 20, 10 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आप सब लोगों के, बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं बात को अच्छे से, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एलसीएम 90 आएगा, मैं बताना फिर भूल गया, आप कैलकुलेशन करते तो बेटर रहता। लस अप और 90 बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 18 रुपए में अगर 90 पेन आते हैं तो एक पेन कितने का पड़ा, 5 का। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आराम से कोई भी स्टूडेंट इस बात को समझ सकता है। यहां ध्यान दीजिएगा, 30 पेन 90 के तो एक कितने का, 3 का। ठीक है, और आप बताओ 90 के तो एक कितने का, 1 का। और हमें बोला गया यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया, सबने आंसर बताया। तो 5 और 3 8, 8 और 1 कितना 9, क्योंकि मैंने बोला था जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल होता है। 8 और 1 9 काम करना है और टोटल 90 यूनिट है, तो 90 9, तो आप बताइए कितने दिन का समय लगेगा, 10 दिन। तो ये प्रश्न था जिसके अंदर पहले हमने दो व्यक्तियों को सॉल्यूशन सीखा, फिर हमने 3 व्यक्तियों के बारे में सॉल्यूशन सीखा। ये दो टाइप के क्वेश्चन अभी हमने कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, जीडी को क्रैक करने के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहां से 2 से 3 प्रश्न बनने वाले इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे, और मैं आपको जो 2015 के पेपर में प्रश्न आया था वो भी सॉल्यूशन कराऊंगा अभी, कि 2015 के पेपर में आपका कैसा प्रश्न बना था। ठीक है, तो आपको भी एक आइडिया होगा ना दोस्तों कि कैसी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न हमारे पास ये है, राम किसी काम का 1/4 भाग को 5 दिन में पूरा करे तथा श्याम उसी काम का
श्याम उसी काम का। श्याम उसी काम का एक बटा छह भाग को, एक बटा छह भाग को, एक बटा पांच भाग को छह दिन में पूरा करे, छह दिन में पूरा करे। तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर पूरा करने में कितना समय लेंगे, कितना समय लेंगे। यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, पहले मैं एक बेसिक प्रश्न लेके चलता हूँ, फिर सेकंड वाला भी समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्नों से डर लगता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका उत्तर कितना बनने वाला है। सारे विद्यार्थियों को मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, और अगर आपको बुक का लिंक मैंने अभी शेयर किया, आप परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आप परचेज कर लेते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप education@live@gmail पे मुझे अपना पेमेंट, जो आपने पेमेंट कर दिया उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपकी तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिनकी ये दिक्कत हुई थी और उन्होंने मैसेज किया होगा, उनका रिप्लाई मात्र 3 या 4 मिनट में उनको रिप्लाई मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर्स बताए हैं, 12 आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है आप लोगों का आंसर्स। चलिए इस बात को अच्छे से समझिएगा, एक बटा चार भाग कितने दिन में पूर्ण हुआ, पांच में, और यहाँ एक बटा पांच भाग छह दिन में पूर्ण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्य है ये कार्य राम का है, और ये जो कार्य है प्यारे दोस्तों ये कार्य श्याम का है। लेकिन इस चीज को समझिएगा, हमने देखिए, मैंने बहुत बार आपको बोला है कि एक बटा चार, एक बटा तीन, एक बटा पांच, दो बटा पांच का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, आधे का मतलब होता है दो में से एक, वैसे एक चौथाई का मतलब होता है चार में से एक जना, एक बटा पांच का मतलब क्या होता है पांच में से एक जना, बात समझ में आई। दो तिहाई का मतलब तीन में से दो जने, उनकी बात करनी है। अब देखिए दोस्तों, अच्छे से बात समझिएगा, अगर यहां पर हमारा एक भाग पांच दिन में पूरा हो रहा है तो हमारे पास टोटल भाग है कितने, चार। तो आप बताइए, एक भाग अगर पांच दिन में तो चार कितने में, तो पांच इंटू चार करोगे तो कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन। वापस सुन लीजिएगा, एक भाग अगर पांच दिन में होता तो दूसरा 10 में, तीसरा 15 में, चौथा 20 में। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक पेन पांच का तो चार कितने की, पांच इंटू चार करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20। यहां पर भी वही कंसेप्ट है, एक भाग आपके 6 दिन में पूरा हो रहा है, टोटल भाग पांच है, तो 6 × 5 करोगे कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन। यानी यहां पर राम को 20 दिन लगते हैं और श्याम को 30 दिन लगते हैं। अब यहां पर उन्होंने ये बोला दोनों मिलकर, तो ऐसा प्रश्न थोड़ी देर पहले हमने किया था, 20 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 60 आया। फिर आपको ये 20 क्या है, 20 इनका टोटल टाइम लगा है वर्क करने में, और ये 30 क्या है दोस्तों, 30 ये टोटल टाइम लगा है वर्क करने में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 3 और 2 मिलकर कितना 5, तो 60/5 यानी कितना 12 दिन। ठीक है, लेकिन ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इनको थोड़ा सीखना पड़ेगा। वापस मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझा दूं, एक यूनिट 5 की तो 4 कितने की, 20, और एक यूनिट 6 की तो 5 कितने की, 30। बाकी सबसे पहला प्रश्न पढ़ा था वही है, आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए इसका जस्ट बिल्कुल एक बार चलते हैं आगे, चलिए एक प्रश्न को थोड़ा मैं यहां चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अब प्रश्न को चेंज करने पर इसका उत्तर किस प्रकार बनेगा, क्योंकि थोड़ा अगर डिफिकल्ट प्रश्न बने तो वो किस प्रकार बन सकता है। ठीक है, इसके बाद यहां पहला प्रश्न सिंपल था, दूसरे में थोड़ा और चेंज होगा, तीसरे में मैं थोड़ा और चेंजेस करूंगा। ठीक है, यहां ए किसी काम को यहां बी लिख दीजिएगा, यहां लिखा हुआ दोस्तों 2/3 भाग पूरा करने में, 2/3 भाग पूरा करने में 20 दिन, और यहां पर 4/5 भाग पूरा करने में, 4/5 भाग पूरा करने में 72 दिन का समय लगे। तो आपको यह बताना दोनों मिलकर कितने दिन में इसे पूरा कर लेंगे। यहां पर तो है प्यारे दोस्तों 2/3 भाग, और यहां पर है 4/5
5 बार, या है 20 दिन या है 72 दिन। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है कि दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जल्दी से बताइए, प्रयास कीजिए अपने एंड से जितना भी आप बता सकते हो, और वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 2000 जने तो लाइव हो जाइए जल्दी से जल्दी। बस यही तो आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों। और एसएससी जीडी के जो विद्यार्थी दोस्तों, उनको अच्छे से पता होगा, जिस दिन पहले दिन इस बैच को स्टार्ट किया था और अब तक हम कंटिन्यूअसली हर एक टॉपिक के पढ़ते जा रहे हैं, मात्र 1 या 2 दिन की दोस्तों मेरे हिसाब से क्लास नहीं हुई होगी, बाकी इस बैच को मैंने हमेशा कंटिन्यू रखा है अभी तक कंटिन्यू। एक आध दिन दोस्तों कोई तबीयत सही नहीं थी उस समय नहीं ले पाया था, बाकी मेरी क्लास हमेशा कंटिन्यू रही है, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो मंडे हो। ठीक है, तो जो विद्यार्थी एसएससी जीडी ड्रीम बैच में, उनको अच्छे से पता होगा कि भाई ऐसा कंटिन्यूअसली हमारे क्लासेस चल रही है। बिल्कुल 90/4 आंसर आ रहा है, आप सभी विद्यार्थियों ने काफी ने बताया भी है। तो यहां देखिए 2/3/20 दिन में हो रहा है, इस चीज को समझिए आराम से, 2/5/20 दिन में, और यहां पर है 4/5 कितने दिन में हो रहा है, 72 दिन में। देखो पहले वाले प्रश्न में, और उसमें फर्क क्या है, फिर फर्क यह है कि वहां पर हमें एक भाग पता करना पड़ा था, वहां एक भाग दिया हुआ था, लेकिन इसमें एक भाग पता करना पड़ेगा। कैसे होगा दोस्तों, कि हमारे 2 यूनिट अगर 20 की पड़ती है, अगर 2 यूनिट 20 की पड़ती है तो आप बताइए 2 यूनिट 20 की, तो हमारी 1 यूनिट कितने की, 10 की, और 1 यूनिट 10 की है, टोटल यूनिट कितनी है, 3। मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं, 2 पेन अगर 20 में आते हैं तो 1 पेन 10 का, और टोटल पेन कितने हैं दोस्तों, टोटल पेन है 3। तो आप बताइए 10 × 3 करोगे तो आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अगली बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करना है, टोटल 30 हो जाएगा। यहां देखिए आप सोच के देखना कि भाई 4 पेन 72 के आते तो 1 पेन कितने का पड़ा, 18 का। यही बात आई समझ में, 1 पेन 18 का, और 1 पेन 18 का पड़ा तो आप बताइए 5 कितने के, तो 18 × 5 करोगे तो आंसर कितना, 90। इस चीज को समझिएगा तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। ठीक है, वापस ध्यान दीजिएगा, 2 पेन 20 के तो 1 10 का, और 10 × 3 कितना, 30। और यहां देखिए 4 पेन 72 के तो 1 18 का, 18 × 5 कितना, 90। टोटल हमें पता करना सीखना था, ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, सबसे सरल प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ 30 है और यहाँ 90 है, ये ए का कार्य है और ये बी का, तो आप बताइए 30 और 90 एलसीएम बनेगा 90, 30 से 90 3 बार, 90 से 90 1 बार, दोनों मिलकर तो 3 और 1 मिलकर कितना, 4, और टोटल काम है कितना दोस्तों, 90 कार्य है, तो 90/4 कार्य, क्योंकि मैंने बोला ना जो एलसीएम आता वही टोटल, यानी 45/2 और यानी 22.5 दिन, तो ये हमारा उत्तर आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल अभी कराएंगे दोस्तों, कि अभी 4 दिन बाद 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाए तो वो कैसे होगा, टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, चीजें समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, वापस समझिएगा अच्छे से, कि 2 यूनिट 20 की तो 1 10 की, 10 × 3 30, 4 यूनिट 72 की तो 1 18, 18 × 5 90, 30 और 90 का एलसीएम 90, 30 से कटा 3 बार, 90 से कटा 1 बार, 3 और 1 कितना, 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े फिर। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत बढ़िया, 1700 जने लाइक हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। आगे चलता हूं फिर मैं। अब देखो मैं प्रश्न यहां थोड़ा चेंज कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आप लोग मुझे उत्तर बता पाओ। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी को बताना है, कि अगर यह प्रश्न होता तो आप लोग कैसे सरल करते। प्रश्न नया लिख देता हूं, ठीक रहेगा, क्योंकि नया प्रश्न है, थोड़ा डिफरेंट टाइप इसी का।
देखिए प्रश्न ये है, ये किसी काम का 4/5 भाग, ये किसी काम का 4/5 भाग को 4/5 भाग को 20 दिन में तथा बी उसी काम का 3/5 भाग को 3/5 भाग को 45 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस काम का 3/5 भाग कितने समय में पूरा करेंगे यह आपको सॉल्व करके बताना है। दोनों मिलकर उस काम का 3/5 भाग कितने समय में पूरा करेंगे, तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर कितना होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, हमने आंसर बताया दोस्तों, ठीक है। 45/4, 45/4, 75/4। देखो याद रखना है, पूरा काम नहीं करना है, उस काम का भी 3/5 पार्ट यानी 3/5वां हिस्सा पूरा करना, 5 में से 3 हिस्से ही पूरे करने, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों के आंसर आ रहे हैं, चलिए समझते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, देखिए यहां पर एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 45 दिन में, तो समझिए बहुत ही अच्छे से, 4 भाग 20 के तो 1/5 का 5 × 5 कितना 25, 5 × 5 कितना 25, ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल वर्क 25 दिन में हुआ। यहाँ देखो 3 भाग 45 में तो 1/15 का पड़ा और 15 × 5 तो 15 × 5 करोगे तो आया 75, यानी ए अपना जो टोटल काम है वो 25 दिन में करता है, बी अपना टोटल काम 75 दिन में। अब बोला है दोनों मिलकर, तो प्यारे दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दोनों मिलकर कितना आएगा, 25 और 75 का एलसीएम बना 75, 25 से 3 बार, 75 से 1 बार, क्लियर है। दोनों मिलकर बोला है 3 और 1 4, लेकिन अब हम यहां अगर 75/4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 75/4 तो कब होता दोस्तों, जब यहां टोटल होता, लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं करना है, उस काम का 3/5 हिस्सा ही पूरा करना है। तो पहले तो ये काम करेंगे हम लोग, 75 का 3/5 हिस्सा पता करेंगे, क्योंकि 75 का 3/5 कितना होता है, 5 से 75 15 और 15 × 3 45 काम ही करना है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो प्यारे दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ए और बी द्वारा 45/4, 11 से 1/4 दी। तो ये लिख लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये थर्ड टाइप का इसी पैटर्न पर आधारित, पहला सिंपल था, दूसरे में हमने एक एक यूनिट का पता किया फिर टोटल से गुणा, और लास्ट वाले में टोटल वर्क नहीं करके उसका भी कोई पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है। चलिए चलिए बुक का लिंक सेंड कर दे रहा हूं दोस्तों, जिनके पास भी बुक का लिंक नहीं पहुंचा जल्दी से बुक ले लीजिएगा आप लोग, जिनके पास भी अवेलेबल नहीं हो पाई है, मात्र इसकी प्राइस 50 रुपए रखी गई है, आप लोग इसके द्वारा अपने जो भी बेसिक्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक बार और समझाए, बिल्कुल समझा देते, एक बार इसको रिपीट कर देते, चिंता मत कीजिए। यहां पर प्रश्न सिंपल सा था कि 4 भाग 20 के तो 1/5 का और 5 × 5 कितना 25। अगली बात है दोस्तों 3 भाग 45 के तो 1/15 का और 15 × 5 कितना 75। अब अगली बात है दोस्तों कि यहाँ 25 दिन में काम पूरा हुआ और यहाँ 75 में, तो एलसीएम क्या बना 75, यहाँ 3 बार और यहाँ 1 बार, दोनों मिलकर बोला है तो 3 और 1 कितना 4। तो देखिए, लेकिन यहां मिलकर टोटल काम नहीं करना है, काम का 3/5 भाग करना है,
तो पहले तो हमने क्या किया दोस्तों, 75 का 3/5 पता किया। 75 का 3/5 होता है 45। तो प्यारे दोस्तों 45/4 करेंगे तो 11 से ही 1/4। हाँ एडमिट कार्ड दोस्तों एनआर रीजन में तो आ चुका है दोस्तों, और भी एक दो रीजन में आए होंगे। जो भी आपके एग्जाम डेट है दोस्तों उससे लगभग 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। लिंक लगभग सभी जोन में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग तो जो भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा जो भी आपका जोन लगता है उसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं दोस्तों। ए व बी मिलकर किसी कार्य को, मिलकर किसी काम को 22 दिन में पूरा करें, 22 दिन में पूरा करें। यदि यदि ए अकेला उसे 110 दिन में पूरा करे तो बी अकेला पूरा करने में कितना समय लगाएगा, करने में कितना समय लगाएगा, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि बी अकेला इस काम को करने में कितना समय लगाएगा। जल्दी से जल्दी बताने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको किसी भी विद्यार्थी को अगर बुक परचेजिंग में कोई दिक्कत आ जाती है दोस्तों, तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट है वो अपना education@live@gmail.com पे भेज दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, वापस मैं बता देता हूँ, education@live@gmail.com। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर्स बताए हैं, उम्मीद करता हूं सभी का उत्तर सही भी होगा। हाँ 5 दिन वाला बाद वाला भी प्रश्न करा देंगे, चिंता मत कीजिए। आप पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, जब टॉपिक एंड होगा ना, जैसे कल परसेंटेज में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए थे वैसे इस टॉपिक में भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ए और बी ने मिलकर 22 दिन में काम किया और ए कह रहा अकेला उसे 110 दिन लगते हैं, तो सबसे पहला काम तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनेगा 110। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर क्या है कि 22 से ये वैल्यू कटेगी 5 बार और 110 से ये वैल्यू कटेगी 1 बार, यानी ये जो 5 वर्ग आया आज, ये 5 वर्ग किसका है दोस्तों, ए और बी दोनों का है, और ये जो 1 वर्ग आया ये 1 वर्ग किसका है, ए का। आप लोग मुझे ये बताओ, ए और बी दोनों जने कह रहे कि हमारे पास 5 रुपए है और ए कह रहा भी मेरा इसमें मात्र 1 रुपया ही है, तो आप बताओ बी का कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ एक ट्री बनता है, अच्छे से ट्री को समझना। ये ट्री क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है, वे टोटल 5 है, तो अगर एक इसके पास है तो इसके पास कितने होंगे, 4 होंगे। बस इस ट्री को समझ लीजिए, वापस ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 था, 5 में से ए कह रहा मेरी यूनिट 1 है, तो बी की यूनिट कितनी होगी, 4। तो यहाँ देखिए दोनों में से अगर ए घर चला जाएगा तो बी बचेगा, तो यहां से बी की यूनिट आ जाएगी 4। इस ट्री से समझना, बात जल्दी समझ में आएगी। तो आप बताइए बी को वर्क करना 110 4 की यूनिट से, 2 से वैल्यू कटेगी 55/2, यानी कि 2 दूनी 4, 27 से ही 1/2, यानी 27.5 दिन का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। 27 से 2/4 को और सिंप्लीफाई करोगे तो वो 27 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 27.5 दिन। कर लोगे ऐसा प्रश्न, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक प्रश्न लिखता हूं, वो मुझे आप लोग सॉल्व करके बताएं।
चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग मुझे जल्दी से उसका उत्तर बताओ। आप लोग ये बताइए, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 60 दिन में करे तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने समय में पूर्ण करे। या बी अकेला दिया हुआ आ जाए तो ए का पूछ ले, बी लिख दो यहाँ या ए का पूछ ले। तो बात प्रोसीजर तो वैसे वही है, लिखिए आंसर, बताइए मुझे कि कितना आंसर बनने वाला है। जल्दी से जल्दी, इसके बाद जो टाइप आएगा वो आएगा दोस्तों 10 दिन बाद, 5 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाए तो उसका आंसर कैसे बताना है। चलिए 59 आंसर आ रहा काफी जनों का, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर रहा हूं बुक का, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पाई वो इस लिंक के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कल से ही बुक की प्राइस बढ़ा दी जाएगी दोस्तों जो आपके, तो इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है जिन्होंने बुक नहीं ली है वो ले लीजिएगा। मात्र इसकी प्राइस अभी 50 रुपए है, ई बुक है दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जैसे ही आप लोग अपना परचेज करेंगे आपके ईमेल आईडी पे मैसेज से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं बात को अच्छे से। ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी अकेला इस कार्य को 60 दिन में पूरा करें, तो एलसीएम प्रोसीजर कितना बना, 60, 12 से 5 बार, 60 से 1 बार। अब एक लॉजिक को समझिएगा, बहुत ही अच्छी सी बात बता रहा हूं उसको समझिए। ये 5 कार्य किसका है, तो प्यारे दोस्तों ये 5 कार्य किसका है, 5 कार्य दोनों का है, इसमें से यहां एक होगा तो यहां 4 ही आएगा, तो वापस ए का कार्य इस बार 4 आ जाएगा। और आप देखिए 60/4 तो कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन। तो वैल्यूज कुछ भी आए, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो चाहे वैल्यूज बिलीव 50 आओ, 60 आओ, चाहे 150 आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बिल्कुल शेयर कर दीजिए दोस्तों एक बार, कम से कम 2000 एक बार जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए एक बार। अब एक मैं देखता हूं, एक बार 1700 जने हो दोस्तों, आप एक एक बार शेयर भी करोगे तो भी 2000 जने लाइव हो जाएंगे। तो सब जनों को दोस्तों शेयर करना है, क्लास को और लंबा चलाने वाले आगे और बड़ी क्लास रखेंगे इसको, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग सब जने। चलिए अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। चलिए प्रश्न यह है दोस्तों, राम किसी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राम किसी काम को 30 दिन में पूरा करें तथा श्याम उसी काम को 20 दिन में पूरा करें, 20 दिन में पूरा करें, यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 8 दिन बाद यहां लिख देते ताकि आपको जो मैं लॉजिक समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में आएगा, 8 दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला गया तो शेष काम करने में राम को कितना समय लगेगा। ये प्रश्न है हमारे पास,
अब यूनिट यहाँ कुछ भी आ जाए 30, 40, 50, 60 वो आपको देखने को मिल सकती है। वैसे आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने इसीलिए लिखे क्योंकि कुछ रिपीटिंग है, या 30 आओ 40 आओ 50 या 60 आओ आपको एलसीएम प्रोसीजर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग बताइए यदि दोनों ने मिलकर कार्य किया और 8 दिन बाद, कितने दिन बाद, देखो प्रश्न का लॉजिक तो यहीं पर है पूरा कि यहां पर ये दोनों साथ में कितने दिन चले, सिर्फ 8 दिन। 8 दिन बाद क्या हुआ, श्याम यहां से काम छोड़कर चले गए, तो जो बचा हुआ काम करने में राम को कितना समय लगेगा। एक विशेष बात और सुनिएगा दोस्तों, यहां पर दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि इतने दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया, और एक प्रश्न आता है काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया। उस प्रश्नों को समझते हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर कितना बनने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 10 डेज आंसर आ रहा है। चलिए इस चीज को समझाता हूं मैं अच्छे से, प्रयास करना सभी को समझ में आए। तो जो विद्यार्थियों का डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए इस प्रश्न को समझने के बाद। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए सिर्फ। तो यहां देखिए 30 और 20 का एलसीएम 60 बना, 30 से 2 बार, 20 से 3 बार। मेरे हिसाब से यहां तक के प्रोसीजर में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सिंपल सा एलसीएम लिया है, यहां भाग गया 2 बार, यहां भाग गया 3 बार। अब इन्होंने बोला देखो दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, भाई दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया है, तो आप बताओ 3 और 2 मिलकर काम हुआ कितना, 5 ही तो होगा, वो एक दिन का काम है, ध्यान रखना ये एक दिन में 2 कार्य करता है, ये एक दिन में 3 कार्य, तो कार्य हुआ कितना, 5, मात्र कितने दिन में, 1 दिन में। अब आप लोग मुझे बताओ ये साथ में कितने दिन चले, आप कहोगे 8 दिन साथ चले। कैसे पता चलेगा, क्योंकि 8 दिन बाद श्याम अलग हो रहा है, काम छोड़कर जा रहा है ना, मतलब 8 दिन तक तो साथ में ही थे। अगर 1 दिन में 5 कार्य हुआ तो 8 दिन में 5 × 8 कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 40। भाई 1 दिन में ₹5 खर्च होते हैं तो 8 दिन में खर्चा कितना हो गया, 40। और हमारे पास टोटल है कितना, टोटल 60 था, तो अब बताओ शेष कितना बचा। देखो 60 में से 40 हो गए तो शेष 20 ही बचा, शेष कितना बचा, 20। अब होगा क्या, अगर राम काम छोड़कर चला जाएगा तो श्याम को करना पड़ेगा कार्य, और श्याम काम छोड़कर चला जाता तो राम ये कार्य कंप्लीट करता। तो आप बताइए शेष काम 20 बचा, अगर यहां से कौन जा रहा, देखिए श्याम, श्याम चला गया तो कार्य करेगा कौन, राम, और राम की क्षमता कितने की है, 2 यूनिट की, तो 20/2 यानी कितने दिन, 10 दिन। तो शेष काम करने में ध्यान रखना राम को कितना समय लगेगा, 10 दिन। ओके, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और सैनिकों वाला प्रश्न की तरह ही है, जितने दिन का खाना खा लिया उस खाने को माइनस करना था, उसी प्रकार जितने दिन का काम हो चुका है उस काम को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मैं यहां लिख देता हूं 20/2 = 10 दिन। यहां से एक और प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों, एक और प्रश्न क्या आएगा दोस्तों, एक प्रश्न ये आता है कि कुल कितना समय लगा। जैसे एक विद्यार्थी ने बोला कुल का पूछ ले, तो कुल कितना समय लगा दोस्तों, तो इसके लिए विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, 40 और 10 को जोड़ लेते हैं और 50 बता देते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं और एग्जाम में भी आपको ये याद जरूर आएगी। इसके लिए आपको प्रश्न को देखना चाहिए, प्रश्न में कितने दिन काम हुआ था, क्योंकि प्रश्न में तो 8 दिन काम हुआ था, शेष काम कितने दिन में हुआ था, 10 दिन में, तो जो टोटल कार्य सारे मिलकर ये जो कार्य लगा तो इसमें कितना दिन लग जाएगा दोस्तों, 18 दिन। बात समझ में आ रही है दोस्तों, कितने दिन का समय लग जाएगा, 18 दिन। यहां से दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक होता है दोस्तों इतने दिन काम करके छोड़कर चला गया, और एक होता है काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया। और दोस्तों मैं वापस कह रहा हूं एसएससी जीडी के लिए इतना पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, इतना आपको समझ में आ रहा है आप एसएससी जीडी 100% क्लियर करोगे, और जब पेपर आएगा और आप लोग देखोगे तब इस चीज को मैं जरूर आप लोगों से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। ठीक है, हाँ एक बार फिर से समझाए इसको, बिल्कुल उमेश जी मैं प्रयास करता हूं वापस समझा दो इसे। यहां ध्यान दीजिए
तीन और दो कितना हुआ, पांच। एक दिन में पांच काम हुआ तो हमने आठ से गुणा करके कितना काम कर लिया, 40। आप कहोगे आठ से गुणा क्यों किया, क्योंकि आठ दिन ही साथ में थे, फिर श्याम यहां से चला गया, तो 40 काम हो गया कितने में से, 60 में से, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20 यूनिट। अगर राम चला गया है तो श्याम पूरा करेगा, और श्याम चला गया तो राम पूरा करेगा, तो यहां श्याम चला गया तो राम पूरा करेगा, तो 20/2 यानी कितने दिन, 10 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए एक प्रश्न आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, ऐसा एक प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। प्रश्न ये है दोस्तों आपके पास, जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इनको पढ़ के चलेंगे तो आप जीडी इस बार जरूर क्रैक करोगे। इस बार एसएससी जीडी ड्रीम बैच में मैक्सिमम सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों। यहां देखिए, राम किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करे, यहां 72 दिन में पूरा करे, यदि दोनों ने मिलकर कार्य किया तथा 12 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम करने में श्याम को कितना समय लगेगा, ये आप लोग सॉल्व करके बताइए कि श्याम को कितना समय लग जाएगा। नया प्रश्न लिख दिया मैंने, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर बता पाओ। यहां पहले 24 दिन था, फिर 72 दिन, और यहां मिलकर 12 दिन बाद यहां से चला गया, जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए एक बार, सब जने, सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भी आपको हमारी मेहनत जरूर दिखेगी, और आप लोगों का ये जो लाइक है ना दोस्तों, एक तरह से मोटिवेशन होता है। जैसे अब क्लास से इतनी बड़ी लेट है, आप समझ सकते हो 3-4 घंटे खड़े रहना आप लोगों के लिए, तो ये कितना आपके लिए भी हेल्पफुल है, आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन और सपोर्ट होता है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, 24 आंसर्स बताए हैं सभी ने, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, टोटल भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, 36। चलिए इस बात को समझते हैं यहां से, देखिए राम किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है, श्याम उसे 72 दिन में पूरा कर रहा है, तो सबसे पहला काम तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 72, 24 से 72 कटा 3 बार, 72 से 72 1 बार, ये प्रश्न आप यहां से शुरुआत करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्योंकि मैंने कोई भी अभी फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने हमेशा बोला आपको कि आप एलसीएम को लेके चलें, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 12 दिन बाद, तो क्या ये मिलकर काम तो करेंगे लेकिन ये काम चलेगा कितने दिन, सिर्फ 12 दिन, भी 12 दिन बाद अलग हो रहे हैं, 12 दिन तक तो साथ में थे, तो 4 × 12 कितना कार्य हो चुका है, 48। ये 48 काम हो चुका है कितने में से, 72 में से। भाई एक दिन में अगर 4 काम होता है तो 12 में कितना होगा दोस्तों, 48। अब अगली बात बताइए, तो शेष काम कितना बचा, तो देखिए 72 में से 48 गए, 12 में से 8 गए, 4, 6 में से 4 गए, 24 काम बचा। अब यहां से क्या हुआ, श्याम जी कह रहे, राम कह रहे हैं कि भाई अब मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा, तो राम अगर चले गए तो काम करेगा कौन, श्याम ही कंप्लीट करेगा, और श्याम की क्षमता कितने की है, 1 यूनिट की, तो आप बताओ 24/1 यानी कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन। बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है दोस्तों, इस चीज को समझना। एक और चीज है दोस्तों, अगर यहां से पूछ ले समाप्त कितने दिन में हुआ, दो प्रश्न बनते हैं, एक शेष कितने दिन में हुआ, एक पूछते हैं समाप्त कितने दिन में हुआ, तो दोस्तों समाप्त 24 दिन में नहीं हुआ, तो आप बताइए पहले कितने दिन कार्य चला था, प्रश्न में 12 दिन चला था, और अब कितने दिन चला दोस्तों, 24 दिन, तो आप बताइए 24 और 12 को जोड़ोगे कार्य समाप्त कितने दिन में होगा, 36 दिन में। तो ये चीजें थोड़ी समझनी है आपको, और ये समझ लोगे तो आपके प्रश्न बेहद ही आसान हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में, फिर मैं आगे चलता हूं, और लाइक जरूर कीजिए, 2000 लाइक्स होने वाले हैं, सब जने एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को।
बहुत बढ़िया, सभी को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू सभी विद्यार्थियों को। बारी बारी वाला प्रश्न अभी कराते धर्मेंद्र जी। अब इसका देखिए रिवर्स क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना, वो समझते हैं बात को अच्छे से। इस रिवर्स क्वेश्चन में क्या होता है समझिएगा, चलिए रिवर्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी का रिवर्स प्रश्न है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न ये हमारे पास, सचिन किसी काम का काम को 30 दिन में पूरा करे, यहां लिख दीजिए 40 दिन में पूरा करे, तथा सचिन किसी काम को 40 दिन में पूरा करे तथा 60 दिन में पूरा करे, 60 दिन में पूरा करे, यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा काम समाप्त होने से 10 दिन पहले सचिन काम छोड़कर चला गया। काम समाप्त होने से कितने दिन पहले, 10 दिन पहले सचिन काम छोड़कर चला गया, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना है, दोनों ने मिलकर कितने दिन में ये कार्य कंप्लीट कर लिया, जल्दी से बताइए। 30 डेज, बहुत बढ़िया, काफी जनों ने आंसर्स बताए हैं। अभी मैंने टोटल का नहीं पूछा, टोटल का लास्ट में पूछूंगा तब आप लोग जरूर बताइएगा। अभी सिर्फ आपसे ये बताना है दोस्तों, 10 दिन में बाद काम छोड़कर, 10 दिन पहले अगर सचिन काम छोड़कर चला जाए तो दोनों ने मिलकर कितने दिन किया, और मिलकर वाला पता कर लोगे ना, उसमें 10 जोड़ते आपका टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा वाला प्रश्न है और इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगाना, जो अच्छे अच्छे टाइप बने वो सारे मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों जिनके पास बुक का लिंक नहीं है और बुक जरूर ले लीजिएगा दोस्तों जल्दी, उसका धीरे धीरे हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस वीडियो सॉल्यूशन में सिर्फ आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, तो प्रश्न आपके पास बुक के अंदर अवेलेबल रहेंगे तो आप चीजों को और समझ पाओगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न में डाउट रहता है तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। और जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए बुक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बेसिक से आप लोग चीजों को क्लियर करते हुए आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए 30 आंसर आ रहा है, 18 आंसर आ रहा है दोस्तों, विशाल सिंह जी आपका आंसर 18 आया, बहुत बढ़िया। 14 डेज, बिल्कुल 30 30 40, अजीत कुमार जी बहुत बढ़िया 30, लोकेश जी, स्वप्न जी, महतो जी, मुकेश कुमार जी, रणजीत कुमार, सबने आंसर बताए, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। तो यहां ध्यान दीजिए, सचिन किसी काम को 40 दिन में, सौरभ उसी काम को 60 दिन में पूरा करे, यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तो काम समाप्त होने से 10 दिन पहले अगर सचिन चला गया तो आपको यह बताना है दोस्तों कि यहां से
कितने दिन इन्होंने मिलकर कार्य, अब देखो मैंने प्रश्नों में डिफरेंस बताया था आपको कि जब मिलकर कार्य दिया हुआ होता है तो अकेले का कार्य पूछते हैं और जब अकेले का कार्य दिया होता है तो मिलकर कार्य पूछते हैं। ये दोनों प्रश्नों में बहुत अच्छे से अंतर को समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए, ये सचिन है और ये सौरभ है, ठीक है दोस्तों। यहां पर 40 दिन, यहां 60 दिन, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों अगर आगे बढ़ना है इन प्रश्नों में, तो ये एलसीएम मेथड तो आज आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हम लोग एलसीएम से शुरुआत तो कर ही सकते हैं एक प्रश्न की। अब अगली बात समझिएगा, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों ने मिलकर काम किया, पर प्यारे दोस्तों क्या इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया हमें कुछ भी आइडिया है क्या? नहीं, बिल्कुल। मिलकर काम तो 5 होता है, लेकिन ये 5 काम कितने दिन चला इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, विशेष बात सुनिएगा, 10 दिन पहले सचिन चला गया। आप लोग लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखिएगा, 10 दिन पहले अगर सचिन चला गया तो उस 10 दिन में कार्य किसने किया होगा? सौरभ ने किया होगा। तो आप बताइए सौरभ द्वारा उस 10 दिन में कितना काम होगा? तो प्यारे दोस्तों अगर एक दिन में 2 काम होता है तो सौरभ द्वारा 10 दिन में 2 × 10 कितना कार्य पूरा हो जाएगा? 20। ये 20 वो कार्य है जो उसने अकेले किया था, क्योंकि दोस्तों उसमें तो सचिन चला गया था ना, ये कार्य उसने अकेले किया था, बाकी का काम उन्होंने मिलकर किया था। अब आप लोग मुझे बताओ, जल्दी से आंसर चाहता हूं, फास्ट से फास्ट आना चाहिए। अगर 20 काम अकेले हुआ है 120 में से, तो मिलकर कितना काम हुआ? जल्दी बताओ, 20 काम अगर अकेले हुआ है तो मिलकर कितना कार्य हुआ? कार्य बताना पहले, आपको आंसर नहीं बताना, ताकि लॉजिक समझ में आए प्रश्नों का। तो बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 100, ठीक है दोस्तों। तो देखो बिल्कुल सभी ने बताया है, शुभम जी आपने भी, देखो 120 में से 20 काम अकेले उसने किया है, तो सचिन और सौरभ दोनों ने मिलकर 100 काम किया था, और एक दिन में 5 काम होता है, तो आप बताओ कितने दिन लग जाएंगे इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 100/5 यानी 20 दिन। इसका रिवर्स आप चलाओगे तो अब आपको दोनों आंसर्स मिल भी जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजों को थोड़ा समझोगे तो आपके लिए बातें बहुत आसान होगी। अगर इस प्रश्न में मैं आपसे पूछूं कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ, तो प्यारे दोस्तों यहां समाप्त 10 दिन में ना हुआ ना 20 दिन में हुआ। भाई 10 दिन तो बाद में इसने अकेले काम किया था, 20 दिन इन्होंने मिलकर किया था, समाप्त कितने दिन में हुआ? तो अब क्या करोगे, 20 और 10 को जोड़ोगे, टोटल आएगा 30 दिन। जब भी आपको समाप्त का पूछे, मैं हमेशा कहता हूं आप प्रश्न को देखा करें, 10 प्रश्न में था, 20 हमारा उत्तर आया, टोटल कितने दिन? 30 दिन। एक बार और समझाए, चलिए प्रयास करता हूं मैं एक बार और समझा पाऊं, और प्रयास करना आप लोग भी चीजों को और समझ पाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए, 40 से 120 कटा 3 बार, 60 से ये 2 बार, 3 और 2 मिलकर कितना? 5। लेकिन हमें 5 का ये नहीं पता भी कितने दिन मिलकर किया, अगर ऐसा होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। इस बार रिवर्स क्वेश्चन है, 10 दिन पहले सचिन चला गया, सचिन जाएगा तो सौरभ काम करेगा, सौरभ चले जाते तो सचिन को कार्य करना पड़ता। तो आप बताओ एक दिन में अगर 2 काम होता है तो सौरभ द्वारा 10 दिन में कितना कार्य हुआ? 20। ये काम उन्होंने अकेले किया था, 120 में से 20 कार्य अकेले है, तो मिलकर कितना हुआ होगा? 100। और मिलकर एक दिन में कार्य कितना होता है दोस्तों? 5। तो 100/5 यानी 20 दिन। टोटल पूछे तो 20 और 10 पहले चला था, टोटल 30 दिन। दोस्तों बुक आपके ई बुक के फॉर्मेट में, पीडीएफ में तो आपके पास डाउनलोड होगी, तो आप लोग टॉपिक बाई टॉपिक उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। प्रयास कीजिए कि चीजों को समझ पाओ और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड के ऊपर हो, चीजों को आंसर देखें। आगे बढ़ते हैं, फिर लाइक करते रहिएगा दोस्तों वीडियो को जितना हो सकता है, सब जने एक बार, वापस मैं कह रहा हूं सभी जने एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप का जो बटन है, जो ब्लू कलर, जो ब्लैक कलर का है, उसे ब्लू कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सब जने वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल। एक बार मैं कैमरा को थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं और चीजें समझ में आए आपको।
ठीक है आप। और ये एक तरह से दोस्तों आप सब लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट होगा एजुकेशन अड्डा के लिए, इसीलिए दोस्तों इस बुक की प्राइस मात्र 50 रुपए रखी गई है। तो आप लोग हर एक विद्यार्थी अफोर्ड भी कर पाएगा और आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट भी होगा, और धीरे धीरे हम लोग इस बुक का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो उन विद्यार्थियों को बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों जिनके पास ये बुक अवेलेबल रहेगी, क्योंकि दोस्तों मैं उसका सॉल्यूशंस कराऊंगा, क्वेश्चंस आपके पास बुकलेट में होंगे, ठीक है दोस्तों, जो आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सपोर्ट भी कर पाओगे आप लोग, और आपके पास एक तरह से अच्छे से नोट्स भी हो जाएंगे। लगभग 200 पेज की बुक है दोस्तों ये, तो आप इस चीज को समझिएगा। चलिए अब अगली बात हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है उस चीज को समझिएगा। देखिए प्रश्न ये है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यदि ए की जो कार्य क्षमता वो बी से 20% कम है, यदि बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करे तो ए उसी काम को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर कितना होने वाला है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, 25 आंसर आया है, बहुत परफेक्ट आंसर बता रहे हैं। विष्णु जी आपने भी सही बताया, मोहित कुमार जी, विकास कुमार जी, आजाद जी, प्रभाकर जी, राजेश्वर जी, अपू कुमार जी, मांगीलाल चौधरी जी, गौरव जी, चलिए काफी जनों ने आंसर बताए, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात को समझिएगा, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 20% कम है। ए की जो कार्य क्षमता है, देखो दोस्तों यहां से एक लॉजिक समझना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले आपको देखो दोस्तों 100 से 20 कम है तो हम लोग कहां पर पहुंचे, 80 पर। अगर ये 20% ज्यादा होती तो हम लोग कहां पहुंचते, 120 पर। 10% कम होती तो 90 पर, 10% अधिक होती तो 110 पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात को समझिएगा, ये कार्य क्षमता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जिनकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी काम करने में समय कम लगेगा, और जिनकी कार्य क्षमता कम होगी काम करने में समय अधिक लगता है। इसका मतलब कार्य क्षमता का एक तात्पर्य स्पीड से भी होता है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम अधिक लगेगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए मैंने 80 क्यों लिखा, क्योंकि ए की क्षमता बी से 20% कम है, बी से 20 कम तो 80 हुआ, क्योंकि 100 पर हम लोग डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हैं, डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। तो यहां देखिएगा, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार कार्य क्षमता का क्या अनुपात बना, 4:5, तो हमारे पास समय का क्या अनुपात होगा, 5:4। अब आप कहोगे हमने विपरीत कैसे रख दिया, क्योंकि मैंने अभी एक बात बोली थी कि कार्य क्षमता और काम में लगने वाला समय एक दूसरे के क्या होते, विपरीत होते। अब एक विशेष बात सुनिए, ए उसी काम को कितने दिन में करेगा यदि बी 20 दिन में करता है, तो प्यारे दोस्तों बी किसी काम को अगर 20 दिन में करे तो ए कितने दिन में करेगा, इसका पहले लॉजिक समझिए। यहाँ 40 दिन होंगे तो यहाँ 50 दिन, यहाँ अगर 8 दिन हो जाएंगे तो यहाँ 10 दिन हो जाएंगे, भी जो इक्वल चलेगा, इधर 4 का पहाड़ा चलेगा, इधर 5 का पहाड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कार्य 20 दिन में हो रहा है, कितने गुना टाइम लग रहा है अभी, 5 गुना, तो यहाँ पर भी 5 गुना टाइम लगेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 25 दिन। तो जिन विद्यार्थियों का 25 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और तीन व्यक्ति का प्रश्न आए, बहुत बढ़िया, चलिए तीन व्यक्ति का प्रश्न इसके बाद में लिखाता हूं, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल संदीप जी बताइए, संदीप जी आप समझ सकते हैं किन किन विद्यार्थियों का नाम, दोस्तों हम जब पढ़ा रहे ना उस सेशन में इतना समय नहीं मिल पाता कि सभी विद्यार्थियों के नाम ले पाए, अगर आप आंसर्स बोलते हो फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि इन चीजों को मैं समझा पाऊं और आपके नाम भी बोल पाए।
ठीक है दोस्तों, चलिए बुक चाहिए तो बुक का लिंक मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को भेजा था, एक बार वापस भेज देता हूँ, तो जिनके पास नहीं है वो उस लिंक से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्न में यहां तक। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर ऐसा बोल दिया जाए, देखिए प्रश्न थोड़ा रिवर्स भी आ सकता है, जैसे इस प्रकार का प्रश्न हो, एक ही कार्य क्षमता बी से त्रिगुणी है तथा बी की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है तो यदि ए किसी काम को यहां से त्रिगुणी है और यहां दुगुनी है दोस्तों, यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या बनने वाला है, प्रयास कीजिए अपने एंड से। बहुत बढ़िया, जनरल आंसर्स बताए हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, एक मोटिवेशंस को कंटिन्यू रखिए, यही आप लोगों के साथ कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे खड़े होने के लिए मोटिवेशंस रहता है आप लोगों के लिए सपोर्ट करने का। थैंक यू मनु कुमार जी आपका इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैन प्रिंस कुमार जी नमस्कार, चलिए काफी जनों ने आंसर्स बताए हैं, इसको समझते आगे। फिर देखिए एक की जो कार्य क्षमता है वो बी से त्रिगुणी है, तो देखिए दोस्तों कार्य क्षमता या त्रिगुणी है तो क्या अनुपात है, 3:1, और जो बी की कार्य क्षमता है वो सी से दुगुनी है, तो प्यारे दोस्तों दुगुनी है तो क्या अनुपात बना, 2:1। लेकिन इस बात को नोटिस करना कि ये कार्य क्षमताओं का अनुपात है, तो हम लोग समय का अनुपात कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों यहां पर हमें एक छोटा सा प्रोसेस याद रखना पड़ेगा कि भाई कार्य क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे इस कंडीशन में, समझिएगा, 3 और 1 का विपरीत 1:3, 2 और 1 का विपरीत 1:2, जैसे इसको सरल करोगे हमारे पास समय का अनुपात आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों यहां पर, यहां हम आगे बढ़ाएंगे 3 को, यहां हम आगे बढ़ाएंगे 1 को, ऐसे ही हम लोग ABCD भी पता करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था इसलिए बता देता हूं, ABBC और CD हो तो यहां जिस संख्याओं के आगे खाली, पहले इसको जमाइए ABBC और फिर CD, फिर आगे इसको बढ़ा दीजिएगा, जिस संख्या खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाओ, 2 खाली जगह तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं बात को अच्छे से, यहां आया दोस्तों 1, यहां आया 3 और यहां कितना आया 6, यानी अगर यहां 1 दिन लगेगा तो यहां 3 दिन और यहां कितने दिन, 6 दिन। अब हमें बोला है कि यहां पर ए काम को 10 दिन में करता, तो प्यारे दोस्तों अगर ए 10 दिन में, ABC का क्या आंसर बना दोस्तों, 1, 3 और 6, अगर यहां 10 दिन लगे दोस्तों तो यहां देखो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन, और यहां प्यारे दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 10, 30, 60 का, तीनों मिलकर बोला है ना आपसे, तो आप बताइए 10, 30, 60, तो प्यारे दोस्तों एलसीएम बनेगा 60, यहां से 6 बार 2 बार 1 बार, 6 और 2 8 और 1 9, तो आपका उत्तर आएगा दोस्तों 60/9 या फिर 20/3। तो जिनका भी उत्तर 60/9 या 20/3 आया है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है,
बस चीजों को समझते जाइएगा। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तो उम्मीद करता हूं 3 का प्रश्न आए तो भी आप लोग इसे सरल कर सकते हो। चलिए इसको रिपीट करें क्या एक बार? चलिए एक बार दोबारा समझा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल समझा देंगे। यहां देखो 3:1 है, यहां पर 2:1 है, तो इस बात को अच्छे से समझिएगा। 3 और 1 का विपरीत 1:3, 2 और 1 का विपरीत 1:2। अब हमें क्या करना है, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को, ये तो हमने अनुपात में अच्छे से सीखा था, यहां बढ़ाया 3 को, यहां बढ़ाया 1 से, यहां बना 1, 3, 6। अब हमें बोला 1 को 10 दिन, दोस्तों यहां 10 गुणा हो रहा है तो यहां भी 10 गुणा 30 हो जाएगा, यहां 10 गुणा 60 हो जाएगा, तीनों मिलकर है। तो फिर आगे बेसिक एलसीएम प्रोसीजर लगाया, यहां देखो 6 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 6 और 2 8 और 1 9, 60/9 यानी 20/3। ठीक है दोस्तों, ओके, समझ सकते हो बातों को अच्छे से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। चीजें अगर समझते जाओगे धीरे धीरे तो बातें अच्छे से समझ में जरूर आएगी। देखिए प्रश्न हमारे पास है, ए व बी मिलकर किसी काम को, ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, तथा बी व सी मिलकर उसे 15 दिन में, तथा सी व ए मिलकर उसे 12 दिन में पूरा करें, तो तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, यह आपको सॉल्व करके बताना है कि भी अगर ये तीनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने समय में पूर्ण हो जाएगा, जल्दी से बताना है। और दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बुक के थ्रू दिखा सकते हैं, दोस्तों एक छोटा सा सपोर्ट हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। और जल्दी दोस्तों हम लोग बुक का सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे जिससे आप लोग अपनी चीजों को और इम्प्रूव कर पाए। मैथ्स का जो भी डर है दोस्तों वो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे बेसिक लेवल से आप लोग इन चीजों को समझ के अपने मैथ्स के डर को जरूर समाप्त कर पाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, काफी जनों ने आंसर बता दिया है दोस्तों, 8 आंसर आ रहा है, काफी लगभग सभी ने 8 बताया। आर्मी जीडी का याद बिल्कुल स्टार्ट होगा, आर्मी जीडी का बैच, आर्मी जीडी और वाई ग्रुप दोनों का, एयरफोर्स वाई ग्रुप। चलिए अब बात को समझते, बहुत अच्छा वाला प्रश्न है, इसको वापस कह रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं, बहुत अच्छा वाला प्रश्न है और उम्मीद करूंगा एक अच्छी सी ट्रिक से समझा पाऊं। यहां देखो एक अच्छी बात सुनिएगा, यहां पर 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक बनता है तीनों मिलकर और एक प्रश्न आता है जब अकेले का कार्य पूछा जाता है, अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी इसी कार्य को और अकेला सी इसी कार्य को। तो समझने का प्रयत्न करना और ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार सब जने वीडियो को साथ में लाइक कर देना, ठीक है, एक बार सब जने, क्योंकि लाइक 3000 होने वाले आप लोगों के सबसे। चलिए तो यहाँ ए और बी है दोस्तों, यहाँ बी और सी है, यहाँ सी और ए है, यहां पर लगे 10 दिन, यहां लगे 15 दिन, यहां लगे 12 दिन, एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम तो 60 ही बनेगा। अब देखिए आपके पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप अपना वर्क डन डबल कर लीजिए, वर्क डन को डबल कर लीजिए, या फिर अपने आंसर को डबल कर लीजिए। तो सबसे इजी जो तरीका है वो मैं समझा रहा हूं, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार और 12 से 5 बार, यानी 10 दिन में 60, तो 1 दिन में 6 काम, 4 काम 5 काम। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और ये ट्रिक हमेशा हमारे काम आएगी।
6 और 4 10, 10 और 5 कितना 15, टोटल काम 15 ही हुआ दोस्तों, क्योंकि हमें बोला है 3 9 मिलकर। अब बताओ टोटल कार्य है कितना, आप बोलोगे गुरुजी यहां टोटल कार्य 60 है, तो आप बताइए 60 बटा 15 यानी कितने दिन, 4 दिन। लेकिन फिर आप एक बार सोच के देखो ये 4 कब आता, ये 4 तब आता दोस्तों जब यहां ए होता बी होता सी होता तब 4 ही आता। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, यहां ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है। तो आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या याद रखनी है, इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखनी है, सभी दो बार आए हैं, दो बार आए हैं तो आंसर भी डबल होगा, आंसर भी क्या होगा डबल। वैसे दोस्तों एक और चीज कह देता हूं, अगर आप बेसिक लेवल से इसका लॉजिक समझना चाहते हो तो फिर हमारा ये वर्क डन, ये तो ट्रिक है दोस्तों एक तरह से, वर्क डन डबल करना पड़ता है, 60 की जगह हमें काम 120 करना पड़ता है, और 120 बटा 15 करोगे तो 8 आएगा। लेकिन जो ट्रिक अभी मैंने बताई थी तो ट्रिक से, वैसे बेसिक उत्तर 4 आया लेकिन मैंने बोला सब दो दो बार आए हैं इसलिए आंसर भी डबल होगा, तो 4 का दुगुना हमारा जो आंसर होगा वो कितने दिन होगा प्यारे दोस्तों, 8 दिन होगा। तो ये ट्रिक करूंगा आपको सबसे बेस्ट लगेगी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बुक्स में जाओगे तो आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं जो आपको अभी याद नहीं करने, बहुत सिंपल तरीका है। तो क्यों फॉर्मूला याद करें, बस यहां तक हमने सीखा हुआ था पहले से, मैंने तो बोला आंसर को क्या करूं?